श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आप गए प्रेत सिद्ध करने और प्रेत ने आपको सिद्ध कर लिया। कैसा होता है? होता है। आज की कहानी इसी पर है। ये बिहार के गांव की कहानी है और इस व्यक्ति से मैं किसी पारिवारिक कारणों से मिला था। जब ये व्यक्ति मिला तो इसके मेरे सामने प्रवेश के साथ ही उस पूरे कमरे का वातावरण बदल गया और ये दो क्षण भी मेरे पास नहीं रुका और ये भाग गया, या बोले चला गया, कुछ भी बहाना मारकर। भाग गया कहना गलत हो शायद। तो इनके बारे में हमने पता किया कि भाई क्या विषय है। ये व्यक्ति दुखों के कारण तांत्रिक बने थे, लेकिन ये दुख ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी में तांत्रिक बन गए या किसी स्त्री के वियोग में तांत्रिक बन गए। इनकी एक छोटी बहन थी और जब ये 16 वर्ष के थे और इनकी जो बहन थी वो 8 साल की आयु की थी और दोनों में बहुत लाड का संबंध था। ये अपनी छोटी बहन को बहुत मानते थे। महामारी का दौर था और काल ने इनकी बहन को अपना ग्रास बना लिया। इस दुख को ये संभाल नहीं पाए और ये घर छोड़ करके निकल गया। पता किया आसपास के क्षेत्रों में तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते थे। श्मशानों में पागलों की तरह घूमते थे तो लोगों ने ये मान लिया कि ये पागल हो गए हैं। और वहां पर एक आम जनमानस में ये भी बात चल रही थी कि ये औगढ़ विद्या सिद्ध करने के लिए कामाख्या चले गए हैं। जब ये 2 साल बाद लौटे तो इनका जो पूरा आभा मंडल था वो बदल चुका था, इनका रूप बदल चुका था। ये अब पहले की तरह जो एक रौबीले युवा दिखते थे वैसे नहीं दिखते थे। ये बिल्कुल दुबले पतले, आप ऐसा बोल सकते हैं जो कि जो धुना के सामने हमेशा आदमी बैठा रहता हो वैसा ये दिखते थे। लेकिन ये सिद्ध नहीं थे, ये परेशान थे। ये जितना जाने के समय परेशान थे उससे ज्यादा अब ये परेशान हो गए थे। एक रात्रि को इनके पिता जो किसान थे वो जब घर आ रहे थे तो घर से पहले एक जगह होता है जिसको गोहाल गोशाला बोलते हैं, वहां से रोने की आवाज आ रही थी, बहुत विचित्र तरीके से रोने की। जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो है वो लहू लुहान वहां पे बैठा हुआ है और बैठ के रो रहा है बहुत विचित्र आवाज में। और उनको लाया गया, उनकी मरहम पट्टी हुई, उनका रोना बंद नहीं हो। तो जो गांव का पहला रिवाज है कि ओझा गुनी को बुलाया जाता है, तो ओझा को बुलाया गया, इनकी झाड़ फूक हुई और ये थोड़े शांत हो गए उस समय। और उस क्रम में उन्होंने बताया कि उनके कंधे पे कोई हमेशा सवार रहता है और जो उनको बोलता है वही वो करते हैं। तो अभी उसने बोला कि हाथ को काट लो, इसीलिए हाथ वाथ पैर वैर उन्होंने काट लिया ताकि वो रक्तपान कर सके। अब जो परिवार था वो उम्मीद खोने लगी कि भाई ये जो है अब पागल हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। एकमात्र पुत्र थे परिवार में तो दुख और भी ज्यादा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था।
और इनकी ये हरकतें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कभी हाथ काट ले, कभी किसी चीज को जाके नाली में फेंक दे, बोले ऐसा मुझे करने को बोला है। और ये 2 साल के आसपास जब घटना घट गया तो इनके पिताजी और इनका जो परिवार है वो अब बस बोल दिया, उन्होंने बोला कि अब जो है तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाओ। तो अपने पिता को बहुत ही रोबीले अंदाज में, जिस अंदाज में ये रहते नहीं थे, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये मना कर रहा है मुझे घर से निकालने, ऐसे निकालो मत। उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया, घर से निकाल दिया। वो जो था व्यक्ति, वो जा करके सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां घंटों बैठा रहा अपने घर को देखते हुए और मुस्कुराता रहा। ये वो वर्णन है जो उसके घर वालों ने बताया मुझे। आप समझिए कि एक व्यक्ति जिसकी मानसिक अवस्था खराब है, जिसने स्नान करना छोड़ दिया है, जिसके सारे शरीर पर कटे का निशान है, और वो जो नीज बेंड डाउन या जिसको स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन में बैठ के किसी का घर देख रहा हो सुबह से बैठ करके शाम तक और मुस्कुरा रहा हो, रात में माँ को थोड़ा लाड आया तो वो जाके उसने वहाँ पर भोजन रख दिया, उसको भी वो नहीं किया और वो बस बैठ के देख रहा था, घर वाले अंदर सोने चले गए, पिताजी एक दो लोगों को लेके बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा कि ये जिस तरीके से देख रहा है कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा, लेकिन वो बैठा रहा रात भर। मध्य रात्रि के आसपास घर में आग लग गया, किसी को नहीं पता कैसे आग लगा, और बहुत सारा जो उस घर का सामग्री था वो तहस नहस हो गया। इसने बोला कि मैंने बोला था मुझे घर से नहीं निकालो, इसने बोला था कि बदला होगा, हो गया ना, अब मन शांत हुआ, अब मुझे वापस घर में लो, नहीं तो ये होता रहेगा। अब डर से जो है वो घर वालों ने उसको वहां पर बुला लिया। एक कामाख्या के तांत्रिक आए और उन्होंने इसका बंधन किया और बंधन करके बोला कि गांव के सीमा से ये व्यक्ति बाहर नहीं कभी जाना चाहिए। और लगभग उसके बाद इस तांत्रिक का जो जीवन था वो थोड़ा आम व्यक्तियों जैसा हो गया, लेकिन इसको अभी भी उस प्रेत के सपने आते थे और ये प्रेत कहाँ से आया नहीं आया ये समझ में नहीं आ रहा था। शादी भी हो गई इनकी, बच्चे भी हो गए, और गांव में ही ये अपनी खेती करके रहते थे। आज भी रात में डरते थे और आभा मंडल इनका अभी भी काला था। तो हमने ऐसा एक प्रस्ताव रखा कि आप इनको हमसे बात करवाएं, हो सकता है कि हम इनको ठीक करें। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के आने के साथ मैं इस बात को समझ गया था कि इसके साथ प्रेत तो है। भले अभी लोग वहां कह रहे थे कि इसके साथ प्रेत नहीं है, कामाख्या के तांत्रिक ने बांध दिया, लेकिन जब मैंने उसको देखा और जिस तरीके से वो मुझे देख के भागा, मैं बिल्कुल समझ गया था कि इसके साथ अभी भी प्रेत विराजमान है। मैं खुद उसके घर मिलने गया और जो बहुत पुराना जो हमारा एक ट्रिक है कि बिना उसको देखे उसको आवाहन किया, इधर देखो, और वो पलट कर देखा। मैं श्योर हो गया कि अब इसके ऊपर प्रेत है। मैंने उसके घर वालों को बोला कि आप लोगों का बंधन ठीक हुआ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि प्रेत को हटाए बिना बंधन हुआ है, तो प्रेत तो साथ में विराजमान है, आगे क्या करें। एक अनुष्ठान किया उस रात में, उसमें उनको बैठाया, प्रेत सामने आया, जब भैरव दंड जमीन पर पड़ा, प्रेत को चोट लगा तो वो सामने आया, उसने बोला कि हाँ मैं अभी भी इसके साथ विराजमान हूँ, मैं सिर्फ मार और तंत्र के डर से शांत बैठा हुआ था।
जिस तांत्रिक ने मुझ पे पिछली बार काम किया था उसने मुझे बहुत पीड़ा दी थी और डर से मैं सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था। फिर कहानी खुली कि क्यों पकड़ा इसको, कैसे पकड़ा, किसने भेजा। उसने बोला, भेजा भेजा किसी ने नहीं, इसने ही मुझे बुलाया है और इसने मुझे आमंत्रित करके अपने ऊपर रखा है। ये जब तक मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, भेजना इसको ही है। जब इस व्यक्ति से बात करूं, इस तांत्रिक से बात करूं, तो ये बोले, ऐसा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो 3 दिन तक ये अनुष्ठान चला। उसमें ये बात फिर सामने आई कि जब ये अपनी बहन के वियोग में घूम रहा था तो ये काफी तांत्रिकों और अवगुणों के पास गया कि कहीं से उसकी आत्मा को बुला के मुझे बात करवा दो, और वहीं से ये छोटी छोटी तांत्रिक साधनाएं सीखने लगा। किसी ने इसे तेजिया मसान की साधना दी। तो वो साधना में ये था, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि प्रेत को बुला करके आप किसी का भूत जान सकते हैं, कोई तथ्य जान सकते हैं, या किसी दूसरे प्रेत से संपर्क भी हो सकता है। ऐसा जान करके किसी ने इसे एक क्षुद्र बुद्धि साधना दे दिया, जो बहुत क्षुब्ध साधना होती है। ठीक है, ये तैयार नहीं था, ये गुरुमुख नहीं था, लेकिन जो भी सेवा भाव कुछ भी देख करके उसने दे दिया। किसने दिया ये भी पता नहीं। एक रात्रि को कहीं से इसने एक तेलिया मसान मतलब एक विशेष जाति का जो शव गाड़ा जाता है, उसका जो औघड़ और तांत्रिक होते हैं वो भुजा, उंगली या सर ये निकाल के लाते हैं और उसको प्रेत के रूप में अपने पास रखते हैं। लेकिन इनके साथ ये हुआ कि ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उस मसान को अपनी शक्ति से बांध सके, तो जो प्रेत था उन्होंने बातों में जैसे भी करके इनको ही सम्मोहित या इनको ही अपने वश में करके इसके ऊपर ही आरूढ़ हो गए। ठीक है, और उसके बाद आजीवन इनके साथ रहने लगे। अब मामला ये था कि ये बात साफ हो गई थी कि मसान तो आज भी है इस व्यक्ति के साथ, एक प्रेत इसके साथ आज भी है। इसका मतलब आज तक जो भी हो रहा था सिर्फ प्रेत के शांत रहने के चलते हो रहा था, और प्रेत शांत रहना चाहता था। इसको दो तरीके से देख सकते थे, कि मैंने गलती कर दी इसको छेड़ के, या अब वो समय आ गया था जब इस प्रेत को मुक्ति मिले और इस शरीर को भी मुक्ति मिले उस प्रेत से। मैं हमेशा वहां तो रह नहीं सकता था, तो मैंने एक नाथ औघड़ को, जो उस गांव से काफी दूर रहते थे, उनको हमने बताया कि इस व्यक्ति का जो है आप इलाज कर दो, क्योंकि जो बहुत सालों से प्रेत बंधा हुआ है वो 2-3 हवन में या एक अनुष्ठान में जाने वाला नहीं था। ये प्रेत अब सबको पता था वहां है, ठीक है, लेकिन ये प्रेत जो है वो दुस्साहसी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि तांत्रिक औघड़ आसपास हैं जो कि फिर से मार लगा सकते हैं। और जो नाथ जी थे उन्होंने इसका पूरे तरीके से अच्छा इलाज कर रखा था। इसी बीच गांव में एक कुछ घटना हुआ और इस व्यक्ति की, ये जो तांत्रिक था, इसकी लड़ाई हो गई एक ग्रामीण युवा से और इसको बहुत पीटा गया। बात शुरू यहाँ हुई थी कि इसको उन लोगों ने पागल बोल दिया था, हो पागल और तांत्रिक ओझा के चक्कर में पड़ के खुद को बचाना चाहते हो, तो इस पे बहुत मारा पीटी हुई थी और इसने बोला था कि तुम बचोगे नहीं, और मुस्कुराते हुए बहुत मार खा के मुस्कुराते हुए बोल के निकल गया था। उस रात्रि वो व्यक्ति जो है अपने मित्रों के साथ आनंद हो करके मद के नशे में घर पहुंचा और अपने ही सिगरेट से वो जल के मर गया। वो सिगरेट शायद, जैसा लोगों का कहना था, कि वो सिगरेट पीते पीते सो गया था और फिर से गांव में एक अगजनी हुई कई सालों बाद और ये व्यक्ति मर गया। इस पर तांत्रिक को रोष आया कि, और गांव वाले भी अब जो है इस तांत्रिक से दूर भागने लगे। अत्यंत दुख में ये गाड़ी उठा करके निकल गया गांव के बाहर, जो इसका वर्जित था जाना, उस नाथ तांत्रिक के पास, और वहां पहुंच तो गया और बोला कि मुझे इस प्रेत से मुक्ति दीजिए जो भी हो। तो उन्होंने बोला, ऐसा है कि अभी
तुरंत में तो मुक्ति नहीं हो सकती है, मैं उस प्रक्रिया में हूँ, लेकिन आपको गांव से बाहर नहीं आना चाहिए था। इसने बोला, अब गांव और कुछ नहीं, मुझे पूरा देश भ्रमण करना है, मैं करूँगा, इस प्रेत को भगाओ तुम। प्रेत पूरे रोष में नाथ अवगण ने इनको बोला कि आप आज रात यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि ये आपको दंडित कर सकता है, मैं आपका बंधन कर दूंगा आज रात्रि में, आप कल सुबह निकल जाना। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने मान लिया था कि मैं अगर प्रेत से हार गया तो मैं जीवन से हार जाऊंगा। बात ना मानते हुए वो निकल गए अपने घर के लिए, और उसके बाद वही हुआ जो जिसकी अपेक्षा थी। कहते हैं कि उनको एक ट्रक ने कुचल दिया, और कुचला इस तरीके से कि ना मुंह था ना शरीर था। लोथड़ों को बटोर कर लाए और उनका अंतिम संस्कार किया। सक्षम गुरु और सही साधना ही आपको जीवन में आनंद और शक्ति प्रदान कर सकता है। गलत गुरु, गलत साधना मृत्यु को खुला निमंत्रण है। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालय यज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।